हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना पाटनी। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए लगता है जी रहे होते हैं। ज्योत्सना, आप किस कैटेगरी में है? हुसैन, जाहिर सी बात है कि मैं पहली कैटेगरी वाली ही हूँ, तभी मैं योग कर पाती हूँ। मतलब आप जीने के लिए खाती हैं? जी, ये बात तो है, क्योंकि आप योग बहुत शानदार करती हैं, बहुत सारे लोग आपकी तारीफें करते हैं, मुझसे भी करते हैं और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं। लेकिन देश के 13 करोड़ लोग ऐसे नहीं हैं। खुद को फूडी कहने वाले ये लोग अपनी भूख से कहीं ज्यादा खाते हैं और जितना खाते हैं उससे कम पचा पाते हैं। इसका इफेक्ट उनके बढ़े वजन के तौर पर उनको खुद नजर भी आता है, लेकिन हार्ट के साथ साथ डाइजेशन पर भी इसका खराब असर पड़ता है। हुसैन, गलत खान पान की आदतें गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन तो करती ही हैं, इसके साथ ही कोलाइटिस, अल्सर और पेनक्रियाटिस जैसी जो बीमारियां हैं वो भी पैदा करती हैं। और ख़ास बात है, ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो जो खा रहे हैं वो उनके शरीर के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये और मुश्किल बात है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। मोमोज और उसके साथ खाई जाने वाली चटनी आजकल बहुत आम है दिल्ली और उसके आसपास जैसे शहरों में, आप अक्सर देखेंगे इसे। बहुत चाव से लोग इसे खाते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा खाने से एसिडिटी, अल्सर, पाइल्स और पैनक्रियाज में सूजन तक आ जाती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और ये तो सच में हैरान करने वाली बात है हुसैन, लेकिन एक सच ये भी है कि पैनक्रियास का जो रोग है और जिन मरीजों को ये परेशानी है उनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। पेट में हल्का हल्का दर्द, भारीपन, भूख ना लगना, नौजिया पैनक्रियाटिस के लक्षण हैं। लेकिन पैनक्रियास से जुड़े कैंसर का पता एडवांस स्टेज में ही चल पाता है और इस कैंसर से जूझ रहे 90% मरीज अपनी लड़ाई हार जाते हैं। अच्छा खासा हम डरा चुके हैं दर्शकों को, तो आप थोड़ी राहत की बात कर लेते हैं। पेट और पाचन से जुड़ी बीमारियों से जंग में आपकी जीत हो, इसलिए ज़रूरी है कि योग अपनाएं, क्योंकि योग से न सिर्फ आपका हाजमा बेहतर होगा, दुरुस्त होगा, बल्कि ओवरऑल आपकी जो सेहत है वो बेहतर होगी, सुधरेगी। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। आज साइकिल की सवारी की तैयारी है? बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, और आज मेरे साथ यहाँ बहनें भी, भाई भी, और कम उम्र वालों के साथ यहाँ हमारे कुछ बुजुर्ग भी हैं, वो भी बहुत बढ़िया ढंग से साइकिल चला रहे हैं। और ये हमारे आरोग्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है साइकिल चलाएं, सुबह सुबह दौड़ लगाएं, वॉकिंग करें, ये सब। अब आओ इधर आओ, योगा अभ्यास करो। देखो ये हमारे भाई कितने साल के हो? 66 साल के हैं। इनको 25 साल से, कितने सालों से? 25-26 ज्यादा हो गया। 25-26 साल से ज्यादा से क्या था? एसिडिटी थी सर। एसिडिटी, हाँ। अब क्या हाल है? यहाँ सर वो एलोवेरा, वीट ग्रास और लौकी का सूप और एसिडोग्रेट ये ले लिया। हाँ सर, अब बिल्कुल खत्म है। अंग्रेजी दवा? अंग्रेजी दवा तो बंद कर दी सर। ये लो, अब आज ये वीट ग्रास, ये एलोवेरा, ये सब भी खिलाएंगे पिलाएंगे। और ये तो दो बच्चे तो हमारे आइडियल हैं। क्या नाम बेटा आपका? खुशी। और आपका? विशा। कितना इंसुलिन लेना पड़ता था? पहले मेरा सुबह का 4 या 6 पॉइंट था, बाद में दोपहर का 3 पॉइंट और रात को भी 4, ऐसा कुछ था। मैंने लगा सुबह, दोपहर, शाम 3 बार इंसुलिन। और आपको कितना लेना पड़ता था इंसुलिन? दिन में 4 बार देना पड़ता था, 3-4, 3-4, रात को 12। रात को 12। क्या होती है शुगर? पता नहीं। अब इनको शुगर, इंसुलिन डिपेंडेंट बच्चे, टाइप 1 डायबिटीज हो गई थी, अब ये ठीक हो गई। इतना जबरदस्त करती है। चलो इधर आओ खुशी। और ये तो छोटे उम्र वाले जिनका हमने इंसुलिन बंद करवा दिया है, लाइव एग्जांपल्स हैं। और आपका उम्र कितना बाबू जी? 61 साल है महाराज जी। और कितनी थी इंसुलिन? मेरी इंसुलिन सवेरे 28 चलती थी और शाम को 24। तो टोटल कितनी हो जाती थी? टोटल 52 जी। 52। और कितने साल से चल रही थी ये? 15 साल से थी स्वामी जी, पिछले 15 साल से। 15 साल से, और अब मैं यहाँ आया हूँ तो इसके बाद इंसुलिन मेरी बंद हो गई है। शुगर की मेरी 8 दिन से जी। 8 दिन से इंसुलिन बंद है। अभी कितनी शुगर है?
शुगर मेरी 121 थी, अभी दो दिन पहले चेक करवाई थी मैंने यहाँ पर। 121 शुगर आ गई है। अब ये मैं इसलिए थोड़ा लोगों को इंस्पायर करने के लिए बोलता हूँ, ये बहन बैठी है प्रयागराज वाली, आपको कितना लेना पड़ता था इंसुलिन? स्वामी जी आपके पास ऐसे एग्जांपल्स की खैर कमी नहीं है। कितने साल से? पाँच साल से लगभग। पहले गोलियां चलती थी नाश्ते के पहले, लंच के पहले और बाद में, और अब? अब सारी गोलियां बंद, इंसुलिन भी बंद। मैंने घर पे ही आस्था पे ही आपको देख देख के ही, मतलब इंसुलिन चल रही थी और मधुनाशिनी चल रही थी बदुग्रेड, और बाकी दवाइयां घर पे ही बंद हो गई थी। घर पे ही बंद करके आ गई प्रयागराज में। अब यहाँ के इंसुलिन भी छोड़ दी मैंने, इंसुलिन छोड़। और ये लाइफ एग्जांपल जो है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए कैसे छूटती है, और बहुत सारे लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है कि वो भी योग के जरिए अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। स्वामी जी, एक पेट 100 बीमारियों की जड़ है, ये हमेशा कहा जाता है। हाजमा दुरुस्त रखकर हम 100 बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं, तो वो कौन से 5 योगाभ्यास हमें रोजाना करने हैं जिससे ना तो पैंक्रियाज और ना ही पेट किसी तरह से परेशान हो, बल्कि हमेशा वो सेहतमंद रहे? देखो हुसैन भाई, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, और जिनको आवश्यक है उनको बाह्य उज्जाई शीतली शीतकारी चंद्रभेदी सूर्यभेदी नाड़ी शुद्धि अभ्यंतक कर्णोगांतक प्राणायाम आदि हम बताते हैं। कम से कम कहते हैं 5 प्राणायाम जरूर करो और 5 आसन जरूर करो। ये मेरे साथ गुड़िया है, ये तो 15 आसन रोज करती है और इसकी इंसुलिन बंद हो गई है। 6 महीने पहले मेरे पास आई थी, इंसुलिन अब इसकी छुड़वा दी है। और कौन कौन से आसन करती है एक बार इसको माइक देना भाई। और ये मंडूक आसन से शुरू करें, एक आसन एक मिनट, 5 से 15 आसन हम बताएंगे, जो जितने कर पाए, 5 आसन भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। कौन कौन से आसन करते हैं? मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अर्थमत्स्येन्द्रासन, सर्वांगासन, हल्लासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पाद अंगुष्ठासन। वाह, तो सारे नाम याद है। ये बड़े बड़ों को फेल कर दिया इन्होंने। और इनकी मेमोरी भी बहुत शार्प है स्वामी जी। रोज करती है ये, अभी आप देखना मेरे साथ पूरा करेगी। और अब आपकी इंसुलिन का क्या हाल है? इंसुलिन सारी बंद है। इंसुलिन बंद है, बहुत शार्प। अब ये मंडूकासन ऐसे कितनी देर करना है बेटा? 5 मिनट। अब दूसरा करो। एक तो ऐसे नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां ऐसे अंगूठा अंदर अंगुलियां ऊपर ऐसे, फिर दूसरा इसी का अभ्यास है जिसमें हथेली पहले ऐसे फिर दूसरी ऐसे। आज जो बता रहे हैं हुसैन भाई जी, ज्योत्सना जी, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये अभ्यास आज से अभी से ही हमारे साथ इंडिया टीवी पर 5-5 मिनट करना शुरू कर दे। और आज अभी इसी समय इंस्टेंट डायबिटीज कंट्रोल, और डायबिटीज में टाइप 1 डायबिटीज जो ये बच्चे मेरे साथ आप देख रहे, ये तो खुशी है। और दूसरी विशा भी ऐसी गुड़िया है, उसने भी अपना शुगर ठीक कर लिया है। और बड़ी उम्र वाले बाबा जी भी अपनी जिंदगी में टाइप 1 डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज जो इधर बहन प्रयागराज से बैठी है, खुशी और एक दिशा की। बिल्कुल, अगर ये दोनों चीजें सही हो, सही तरीके से हमारी जिंदगी में हो, तो फिर क्या कहना। तो सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में, पूरी प्रसन्नता आनंद उत्साह से पॉजिटिविटी के साथ अभी से 5-5 मिनट ये मंडूकासन कपालभाति के साथ कराते हैं, फिर ये शशकासन, ये पूरा पैकेज करें। और खाने पीने में कंट्रोल, हम थोड़े दिनों के लिए, 1 सप्ताह के लिए हम यहाँ पर 0 ऑयल डाइट कर देते हैं। आज हम बॉइल्ड वेजिटेबल्स को कैसे बनाना है वो भी बताने वाले हैं। बॉइल्ड खाएं थोड़े दिनों के लिए, शुगर वाले, फैटी लीवर वाले, फैटी लीवर वालों को भी हम 1 सप्ताह में ठीक कर देते हैं। हेपेटाइटिस 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में नेगेटिव आ जाता है। हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, या बैठे मेरे साथ यहाँ जो बहने दाई तरफ आप देख रहे हैं, इनमें फैटी लीवर से लेकर के हेपेटाइटिस से लेकर के लीवर सिरोसिस से लेकर के इन सारे प्रॉब्लम्स को मिटा करके बैठे हुए यहाँ पर। ये शशकासन, फिर योग मुद्रासन, जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है
खुशी की तरह पद्मासन में बैठो बाबू, ऐसे। फिर वो श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाए। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते उस सुखासन में ही आगे झुक जाए। आगे झुक करके कपाल भाति, एक एक आसन आज जो हम प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा थोड़ा करके बता रहे, 5-5 मिनट करें। और जिनको शुगर है वो खीरा करेला टमाटर का जूस ले ले, यदि हो सके तो उसमें थोड़ा सा चिरायता या कुटकी या कालमेघ। इंसुलिन का पौधा एक होता है, वो हमने बता रखा है, कई बार दिखाया है टीवी पर हमने, सदाबहार और एलोवेरा गिलोय, इसका जूस मिला करके, ये खीरा करेला टमाटर का जूस में सारी चीज़ें मिला करके सुबह शाम पिला देते हैं। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट दे देते हैं और इंसुलिन पहले ही दिन से हम बंद करा देते हैं। और खाने के लिए दलिया देते हैं जिसमें गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल 500 ग्राम, घर पे ही बना सकते हैं लोग। ये सब चीज़ें हम होम रेमेडी के तौर पर बताते हैं। गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल 500 ग्राम, 50 ग्राम तेल, 20 ग्राम अजवाइन, ये दलिया, इसको पका करके खा लिया करें। खाली ये दलिया ही खाएं। और जो ये जूस जो मैंने बताया था ये ले, बोल्ड वेजिटेबल ले, मंडूक आसन, शशकासन। अब अर्धमत्स्येन्द्रासन बाएं पैर मोड़ ले, दाएं उसके ऊपर ऐसे रख ले, कितना अच्छा करती है तो गुड़िया, क्या बात है, ऐसे फर्स्ट क्लास, एकदम नाम बोलने से पहले ही कर देती है ऐसे। और जो ऐसा ना कर पाए वो वक्रासन कर ले। तो आप तो अर्धमत्स्येन्द्रासन करो, मैं वक्रासन करता हूँ, तो दोनों देख लेंगे लोग, ऐसे ही करते रहे। और इसमें कपाल भाती करें। अच्छा स्वामी जी, ये हम खाने के लिए देते जो अभी बताया, जीरो ऑयल कर देते हम फैटी लीवर में, हाँ, कोलाइटिस में, कोलेस्ट्रोल में, हार्ट की प्रॉब्लम में, स्वामी जी बहुत फैट बढ़ा हुआ होता उसमें, गॉल ब्लैडर का स्टोन भी जी पैनक्रियाज की एक बड़ी वजह बनता है। कई बार गॉल ब्लैडर में परेशानी से पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है, तो इसमें जो स्टोन आ जाता है उससे निपटने का यौगिक उपाय क्या है? देखो यौगिक उपाय तो ये है, ये वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन किया, अब गोमुखासन कर रहे हैं। एक तो 3 लीटर पानी जरूर पिए। मैंने अपना पेनक्रियाज चेक करवाया, अपना गॉल ब्लैडर चेक कराया, पेनक्रियाज में भी स्टोन हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो जाते हैं, किडनी में भी स्टोन हो जाते हैं। स्टोन के 2 मुख्य कारण हैं, एक तो कैल्शियम डिपोजिशन होता है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होता है। तो एक बात सबके लिए, रोज कपाल भाती करते रहे, सप्ताह में एक बार गोखरू का पानी, सप्ताह में एक बार कुलथ की दाल, कभी हो सके तो कोई पत्थर चट्टा का पत्ता खा लिया, 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। कभी भी किडनी में, गॉल ब्लैडर में, पेनक्रियाज में, कहीं पर भी स्टोन नहीं होगा। और ये कैल्शियम डिपोजिशन खाली पेनक्रियाज में, किडनी में और गॉल ब्लैडर में, ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होता है। और किसी किसी को तो ब्रेन में, किसी किसी को हार्ट में कैल्शियम डिपोजिट हो जाता है, ये नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको हुसैन भाई जी। एक तो कपाल भाती करें और सप्ताह में एक बार कुलथ की दाल रात को भिगो कर उसकी सुबह, कई बार हमने उसका सूप बनाना, दाल बनाना बताया हुआ है, पहाड़ी दाल भी इसको अक्सर लोग कहते हैं, कुलथ की दाल बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये कुछ चीज़ों हमें अपने खान पान में एडिशन करना पड़ेगा। ट्रेडिशन में जो हमें मिलता था, मिश्रित अनाज खाना, अलग अलग तेलों का रोज प्रयोग करना, एक कभी सरसों का तेल, कभी तिल का तेल, कभी नारियल का तेल, कभी ये सनफ्लावर, तो कभी सोयाबीन, अलग अलग जो तेल हैं उनका प्रयोग करें। और ज़्यादा तेल ना खाएं, एक अलग अलग तेल, अलग अलग दालें, मिश्रित मल्टी ग्रेन, अलग अलग शाक सब्जियाँ। और सबसे बड़ी बात है, रोज़ सुबह एक बार अंकुरित ले लें, रोज सुबह एक बार अंकुरित ले ले। और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, वीट ग्रास, तुलसी, हल्दी, ये छोटी छोटी चीज़ें हम जो बताते हैं ना, आज के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा, गॉल ब्लैडर का तो आपने पूछा, वो तो बता ही दिया मैंने। आज के संदर्भ में रोज सुबह उठ करके जो वीट ग्रास, एलोवेरा पी लेंगे, उनको कभी भी जिंदगी में एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रह सकती। वीट ग्रास, एलोवेरा और साथ में यदि लौकी का और प्रयोग कर लें तो, जैसे भाई बता रहे थे 25 साल की एसिडिटी ठीक कर ली, ऐसे दूसरी तरफ से भी करें। ये बड़ी भयंकर बीमारियां होती हैं, कहने को छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत दुख देती हैं ये बीमारियां,
लंबे समय तक ऐसी ज्यादातर तो स्वामी जी लोग समझ ही नहीं पाते, उससे अल्सर हो जाता है और डॉक्टर्स भी जो है अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। हाँ बस ऐसे मानते हैं, तो थोड़ा इंडाइजेशन हो रहा है जी, खट्टी डकार आ रही है और खाते रहते हैं, ऊपर से केमिकल और खाते हैं जो बाजार में मिलते हैं ना। मैं किसी का विरोध करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, ये अलग बात है कि ड्रग माफिया का एक अलग प्रकार का कारोबार है, लेकिन जो ऐसे ही गैस बन गई, गैस की दवा खा ली, पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ करने का चूर्ण खा लिया, पहले उसको इग्नोर करते हैं। चलो बेटा अब पवन मुक्तासन उत्तान पादासन उकासन, शुरुआत पवन मुक्तासन से करते हैं, पवन मुक्तासन उत्तान। अच्छा स्वामी जी एक विषय और इसमें शामिल कर लेते हैं, सर्वांगासन हलासन चक्रासन करेंगे। स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल पैनक्रियास पर किस तरह से असर डालता है? डॉक्टर्स ये मानते हैं कि डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल ना होना भी पैनक्रियाटाइटिस की वजह बन सकता है। अब पेनक्रियाटाइटिस के बारे में मैं 30 सालों से काम कर रहा हूँ, इसका कोई इलाज नहीं, टाइप 1 डायबिटीज का कोई इलाज नहीं, फैटी लीवर हेपेटाइटिस का, लीवर सिरोसिस का तो कोई इलाज है ही नहीं, ऐसी तरह से ये इनको असाध्य रोगों में रखा गया है, चाहे वो अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस है, अस्थमा, तो इन सब का इलाज हमने कैसे किया है? एक एक मिनट से लेके 5 मिनट का पूरा पैकेज है पवन मुक्तासन का। उत्तान पादासन करते हुए आपको बताता हूँ पेनक्रियाज क्या है। पेनक्रियाज है पेनक्रियाटाइटिस है, पेनक्रियाज पर सूजन, हेपेटाइटिस है लीवर पर सूजन, ब्रोंकाइटिस है फेफड़ों में सूजन, सोराइसिस है चमड़ी पर सूजन, और अर्थराइटिस है हड्डियों और मांसपेशियों में कार्टिलेज में अंदर सूजन। तो ये जो सूजन है ये होती क्यों है? एक तो पित्त के बढ़ने से, पित्त की वृद्धि से होती है, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से पित्त भी अपने आप ही बढ़ जाता है, फैट बढ़ने से ये चीज़ें होती है। तो मैंने देखा पेनक्रियाटाइटिस विशुद्ध रूप से आयुर्वेद की दृष्टि से पित्त वृद्धि का रोग है, और हम लोगों को वीट ग्रास एलोवेरा पिला करके अभिपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी खिला करके और ये अंकुरित अन्न खिला करके सादा भोजन करा करके पहले ही दिन और मिट्टी की पट्टी पेट पे रखवा के पहले ही दिन से हम ये पेनक्रियाटाइटिस को ठीक कर देते, नहीं तो इतना भयंकर दर्द उठता है, असह्य वेदना होती है। तो पेनक्रियाटाइटिस विशुद्ध रूप से एक पित्तज रोग है, बस घी फैट बंद कर दें। जो योगाभ्यास हम आज बता रहे हैं पवन मुक्तासन उत्तान पादासन के बाद अब नौकासन सेतु बंधासन और पादंगुष्ठनासन प्रशासन ये अभ्यास करेंगे तो उनका पेनक्रियाटाइटिस 100% अच्छा हो जाएगा। हुसैन भाई स्वामी जी पेनक्रियाटाइटिस में हल्का खाने खाने की सलाह दी जाती है, तो क्या फास्टिंग भी व्रत रख करके भी हम इसको हील कर सकते हैं अपनी पैनक्रियास को? जरूर। और ये जो देखो अभी उत्तान पाद आज के आसन हमारे 5 का आपने बताया था, मैं 15 का बता रहा हूँ, इसमें जो 5-7 कर पाए उतना ही कर लेना। ये अभ्यास करें और फास्टिंग में एक बात ध्यान रखें, देखो जी फास्टिंग में एक बात ध्यान रखें सभी, एक तो जिनको भी पेनक्रियाटाइटिस है, जिनको भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, वो फास्टिंग में थोड़ा वीट ग्रास और एलोवेरा पी लिया करें, नहीं तो क्या होता है जिनको पित्त बहुत बढ़ा हुआ होता है पहले से ही उनको भयंकर दर्द होने लगता है, एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो फास्टिंग में भी वीट ग्रास एलोवेरा आज हम बताने वाले हैं उसको जूस ज़रूर पी लिया करें। थोड़ा लौकी का जूस या लौकी का सूप, यदि अर्थराइटिस है अस्थमा भी साथ में एसिडिटी के साथ तो सूप पी लेना, नहीं तो लौकी का वीट ग्रास एलोवेरा का जूस पी लेना। फास्टिंग में भी थोड़ा सा शहद के अंदर ठंडे पानी में, सामान्य पानी में, घड़े के पानी में शहद मिला करके पी लेना तो फास्टिंग भी हो जाएगी और किसी भी तरह का उपद्रव नहीं होगा। नहीं तो कई बार पेनक्रियाटाइटिस वालों को, बहुत ज़्यादा एसिडिटी वालों को फास्टिंग में बहुत दिक्कत आती है, तो खास करके डायबिटीज़ वालों को भी, तो डायबिटीज़ वालों को हम ये थोड़ा सा वीट ग्रास एलोवेरा ये सब चीज़ें साथ में पिला देते हैं जिससे कोई उपद्रव ना हो। अब पादंगुष्ठनासन प्रशासन करो बेटा स्वामी जी, जिससे जितना बन पाए उतना आसन करवा दे रहे। अब देखो या दाएं बाएं जो मेरे आपने देखा बड़ी उम्र वाले वो ये कठिन आसन नहीं कर पा रहे थे, प्रयागराज वाले माता जी और हमारे दूसरे बाबा जी, आप कहाँ से हो? दिनेश जी दिल्ली से, दिल्ली वाले लखनऊ वाले सब हैं यहाँ पर, लेकिन जो कठिन आसन नहीं कर पाते उनको सरल आसनों से लाभ हो जाता है।
तो वो भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम ही करे, सरल आसन करे। और आओ आप तो विशा जी, स्वामी जी आ जाओ आप भी विशा। एक और पहलू है, उसको भी शामिल कर लेते हैं। आप भी सर्वांगासन करो, हलासन करो। स्वामी जी बहुत से जीव जंतु, बल्कि बड़ी तादाद है ऐसे जीव जंतुओं की जो अल्कोहल लेते हैं लेकिन और उन्हें पैनक्रियाज की बीमारी का खतरा होता है, लेकिन जो लोग स्वामी जी ना अल्कोहल लेते हैं ना ही स्मोक करते हैं, तो उनको पैनक्रियाज की समस्या क्यों आ जाती है, उनको उनके अंदर ये इस तरह की बीमारी कैसे होती है? दरअसल क्या होता है, चिंता से, तनाव से, लंबे समय तक नींद ठीक से ना आने से, आपस के वाणी व्यवहार स्वभाव आदि अच्छे नहीं होते, तो आदमी जो है ना एक लंबे समय तक अव्यवस्थित जीवन जीता है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये बड़े आधार है हमारे आरोग्य के, और हमारी धी धृति स्मृति ठीक रहे, प्रज्ञापराध कहा इसको, धी धृति स्मृति ठीक ना हो तो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, जंक फूड फास्ट फूड असमय खाते असमय सोते, जो जीवन चक्र वो अव्यवस्थित होता है। तो यद्यपि अल्कोहल आदि तो जहर है लीवर के लिए, हार्ट के लिए, एक डॉक्टर मिले थे मुझसे आज से करीब 21 साल पहले लखनऊ के PGI के बाद बड़े डॉक्टर, वो कहने लगे स्वामी जी एक बूंद भी अल्कोहल वो हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए जहर का काम करती है, लेकिन कुछ डॉक्टर तक भी पीते रहते। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारे शास्त्रों में और इस्लाम में सनातन धर्म में सब जगह अल्कोहल को अधर्म कहा है, नापाक कहा है, लेकिन कुछ नहीं खाते पीते उनको भी हो जाते हैं, तो उनको भी जो है हम बता देते हैं कि वो थोड़ा सा अपने जीवन शैली को ठीक करें। और आज हम जो योगाभ्यास बता रहे हैं उसको करेंगे। चलो चक्रासन करो बेटा, अच्छे से चक्रासन, चलो बहुत अच्छे बच्चे हैं। अरे तो बहुत ज़ोरदार करते हैं, एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए भाई दोनों बच्चों के लिए। अच्छे बच्चे हैं, देखो फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, वापस आ जाओ। और अब ये पश्चिमोत्तानासन भी करो ऐसे। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है, चाहे वो अल्कोहल के कारण से भी, तो आप तौबा कर ले, जो हुआ सो हुआ, और आगे से ना खाएं पिएं। और रोज जो है वो एक तो हमने बता रखा आंवला एलोवेरा, और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हमने ऐसे तो बताया सेवा नारा आदि का भी सेवन करें। रोज सर्वकल्प पाथ पी लें। वैसे तो खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, ये तो इतने ज़बरदस्त है, ये लिवोग्रिट और लिवामृत हमने ऐसी औषधि बनाई है, भूमि आंवला पुनर्वा मकोई निशोत कुटकी और जो है कासनी, इन सब चीज़ों से, दारू हल्दी से। तो अब ये आसन तो पूरे हो गए। इन आसनों के साथ साथ जिन को आंखें बहुत कमज़ोर हो गई हों, वो सर्वांग आसन के साथ शीर्षासन भी करते हो। चलो शीर्षासन को मैं करवाता हूँ, सिर नीचे टिकाओ और बैलेंस बनाओ, यस ऐसे। अच्छा स्वामी जी, पेट की एक तो बड़ी बीमारी है कोलाइटिस जी। चल स्वामी जी, पेट की एक बड़ी बीमारी है कोलाइटिस। पहले कोलाइटिस को वेस्टर्न कंट्रीज की बीमारी माना जाता था, भारत में तो इसके केस काफी कम देखे जाते थे, लेकिन स्टडीज की अब माने तो इंडिया में भी ये बीमारी अब तेजी से फैल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या उपाय है, इससे बचने का उपाय क्या है? आसन तो हमने बता दिया, प्राणायाम बता रहे हैं, भस्त्रिका 3 से 5 मिनट जरूर करें और फिर कपाल भाती धीरे धीरे करें। कोलाइटिस का 100% सॉल्यूशन है। एक तो इंडिया TV पर हमने बताया, उसको लाखों करोड़ों लोगों ने अपना लिया है, जीरा धनिया सूप मेथी अजवाइन का पानी ये पी रहे हैं लोग, उससे पेट और पाचन तंत्र अच्छा हो रहा है। अब इसमें तक्र, सुबह से शाम तक दही छाछ का ही प्रयोग करना है, घी मीठा और दूध बंद कर देना है, तक्र कल्प करें, फिर बेल का प्रयोग करें जिस भी रूप में हो सके, और उसमें थोड़ी सी बड़ी इलायची भी डाल दें, बड़ी इलायची और बेल, इसका शरबत बना के पिए। अभी शुरू हो जाता है मार्च से लेकर के अब 3-4 महीने बेल मिलेगा, सारे हिंदुस्तान की कोलाइटिस की प्रॉब्लम दूर, खाली बेल का प्रयोग करें, थोड़ा सा उसमें बड़ी इलायची और डाल दें, उसी का शरबत सुबह सुबह बना के पिए, दोपहर को पिए, शाम को भी, उसमें मीठा और शहद आदि कुछ नहीं मिलाना। फिर दही के साथ अनार, दही के साथ पका हुआ सेव, कच्चा सेव माने बिना पका सेव खाते हैं तो वो थोड़ा जल्दी फिर दस्त लगने लगते हैं, पका हुआ सेव, पका हुआ अच्छा चिट्टीदार केला, अनार,
एक साथ सारे भी मिला सकते हैं और एक एक को जैसे जिसको अनुकूलता पड़े, दही सुबह ही 4-5 बजे सुबह उठ करके जमाएं, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। अनार, दही, पका हुआ केला, सेव उबला हुआ, थोड़ा उसमें उसब घेर भी डाल सकते हैं, और एक साठी चावल बोलते हैं, माने आम सब जगह ना मिल पाए तो वो छिलके वाला ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर लें। बस थोड़ा सा इसब गोल भी डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ी मात्रा में, आधा एक चम्मच दही में डाल करके ले लें, और ये कपाल भाती जो हम बता रहे हैं ये करें। स्वामी जी, कुछ सवाल भी शामिल कर लेते हैं, हालांकि कोलाइटिस का इलाज आपने बता दिया है, 2-4 गोली पूरी तरह से कोलाइटिस ठीक हो जाता है। हुसैन भाई, कुछ अगला सवाल ले लो आप। जी, शौर्य ठाकुर यही पूछ रहे थे कि उनकी माँ को कोलाइटिस है, दवाएं उनकी चल रही हैं और दवाओं से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आपने इलाज बता दिया, कुछ और बात आप इनको बताना चाहें तो बता दें। तो देखो, मैं बोल रहा था बहुत ज़्यादा है तो कुटजारिष्ट ये भी 4-4 चम्मच खाने के बाद पी सकते, कुटज घनवटी और चित्रगाढ़वती 2-4 गोली। वैसे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, कभी ऐसा पेट गड़बड़ हो। एक दिन मैंने कुछ खाने में दूध के साथ, कभी खाता नहीं था, तो एक दिन मैंने इडली खा ली और पता नहीं कुछ ऐसा हुआ, तो ऐसे सुबह, क्योंकि मैं तो योग कराता हूँ 4 बजे से ही, तो फिर मैंने देखा ये तो कुछ 2-3 बार पेट साफ हो गया। मैंने सीधी 4 गोली कोटेज घनवटी खाई, फिर शाम तक पता ही नहीं लगा कब शाम हो गई। इतना ज़बरदस्त फायदा होता है। तो 2-4 गोली कोटेज घनवटी खा लें, 2-4 गोली चित्रगाती वटी चूस लें, इंस्टेंट बेनिफिट होता है, इंस्टेंट। और बहुत ही क्रोनिक हो तो बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम और शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये पाउडर करके 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम सुबह दोपहर शाम खा ले, 100% सॉल्यूशन बता दिया है कोलाइटिस का हुसैन भाई। स्वामी जी, अभिषेक कुमार पूछ रहे हैं कि उनके घर में 4 पीढ़ियों से कॉन्स्टिपेशन और बाल झड़ने की समस्या है, तो कोई उपाय ऐसा बता दें कि ये अब आगे ना बढ़े, ये खत्म हो जाए बीमारी इसी जनरेशन में। कॉन्स्टिपेशन के लिए बला के पत्ते भी मैंने बोले हुए हैं, त्रिफला का प्रयोग बोला हुआ उसको करें, हरी सब्जियां लें, और कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छा होता है जैसे कोलाइटिस के लिए अनार अच्छा होता है, ऐसे कॉन्स्टिपेशन के लिए सुबह सुबह सेव खा लिया करें, सुबह सुबह नाश्ते में सेव का प्रयोग करें, सेव, पपीता, और अभी नाशपति आने वाली है, नाशपति का प्रयोग, और मूली सुबह सुबह खाली पेट, ये तो पेट रोगों के लिए, उदर रोगों के लिए अमृत है, सुबह सुबह खाली पेट मूली और उसके साथ पत्ते भी चबा लें, तो इससे जिनको भी आंतों की कमजोरी है, पाचन तंत्र की कमजोरी है, कब्ज रहता है भयंकर, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और सब्जियां खाएं, और जो हमने जीरा धनिया सूप का पानी बोला था उसका प्रयोग करें, आंवला एलोवेरा का जूस पी लें सुबह सुबह खाली पेट, और बहुत ही भयंकर कब्ज है तो गोधन अर्क पी लिया करें सुबह उठते ही, ये तो ज़बरदस्त काम करता है। और बस्ती और मिट्टी की पट्टी का तो मैंने बताया हुआ है, और हम दबा करके करें, और मंडू का आसन 5 मिनट जो आज बताए थे ना, मंडू का आसन। जी जी। सुजीत कुमार का सवाल है, उनके 5 साल के बेटे के लिवर में पस हो गया है, उनके लिए कोई उपाय बता दें। बेटा है 5 साल का, उसके लिवर में पस आ गया है। अब लिवर के पस के लिए यह है, 2 चम्मच ले लें और इसको 1/2 लीटर पानी में पका लें, बड़े हैं तो 1 लीटर पानी में पका लें, और इसको उबाल करके अच्छे से दिन भर यही पानी पिलाना, एक दिन में ही फायदा हो जाएगा। सर्वकल्प का 2 चम्मच ले लो और 1 लीटर पानी में पका अच्छी तरह से उबाल लो, जब वो 800 ग्राम बच जाए तब छान करके रख लो, दिन भर यही पिए। और ये जो मैंने प्रारंभ में बताया था, लिवोग्रिट खाली पेट छोटे बच्चे को, एक बड़े को, एडल्ट को दो लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद दे दें, लिवर का पास 1 सप्ताह में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, चाहे लिवर में सूजन है, चाहे फैटी लिवर है, चाहे आंतों में सूजन है, ये इसका एलोपैथी में कोई दवाई नहीं, उनके पास में इस तरह की प्रक्रिया नहीं है, ये आयुर्वेद में प्रक्रिया है। लीवर, किडनी, आंतें, लांग, हार्ट वीक हो जाते हैं तो उसको हम रिजुविनेट कर देते हैं, लीवर को, किडनी को, फेफड़े को, आंतों को और हार्ट को रिजुविनेट कर देते हैं, ये है, अनुलोम विलोम भी करें।
चलिए हम उम्मीद करते हैं कि पेट से जुड़ी सभी समस्याओं का जो सवाल हैं उन सब के जवाब हमने दे दिए हैं। हाँ, नाम हम ज़रूर नहीं शामिल कर पाए लेकिन जितने भी सवाल हैं इससे जुड़े हुए सब के जवाब हो चुके हैं और सबके जो योगाभ्यास हैं वो भी स्वामी जी बता चुके हैं। अच्छा स्वामी जी, पैनक्रियास के रोगों में खान पान पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है, तो आज आप क्या बनाकर दिखाने वाले हैं जिससे पैनक्रियास की परेशानी में लोगों को आराम मिलेगा? देखो, सबसे पहले तो ये बताने वाले हैं, कपाल भांति अनुलोम विलोम कभी ना छोड़े, भांति भांति के सब रोग कपाल भांति से अनुलोम विलोम से अलविदा हो जाएंगे। और जिनको ज्यादा ही पेट की समस्या है वो बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं, श्वास को बाहर छोड़कर के बाहर रोकना, ये जबरदस्त है। इसे तो श्वास को बाहर छोड़ दिया, तीन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, उडियान बंद, तीनों बंद लगते हैं। अग्निसार आपके भैया भी करते हैं नोली? हाँ। कहाँ है आपके भैया? तो इनके भैया भी करने लग गए नोली। ये नोली भी हम बताते हैं, बहुत दिन हो गए, आज एक बार दिखा देते हैं। जिनको पेट बहुत ही सुपर फिट रखना हो, सुपर हिट रखना हो, ये स्वामी जी की सिग्नेचर स्टाइल है, आप जब कभी इसे देखते हो तो आपको जरूर याद आता होगा कि स्वामी रामदेव का ये खास अंदाज है, ये खास एक प्रैक्टिस स्वामी जी करते हैं। अब बात स्वामी जी पाक शास्त्र की कर लेते हैं। तो ये तो सब अपने लीवर आदि ठीक करके बैठे हुए हैं जी, अभी सब कपाल भाती अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं। अम्मा तुमने क्या ठीक किया, बड़ी तगड़ी माताओ। बाबा जी मेरा शुगर 574। हाँ जी, तो डॉक्टर मेरे को तो आंखें और लीवर की, हाँ जी, तो इंसुलिन लेने के लिए बोला, तो मैं तो सीधा बाबा जी की शरण में आ गई। अभी 238। हाँ जी, अभी तीसरे, अभी मैंने 238। और दवाई तो खा ली, इंसुलिन मैंने नहीं। अब अभी डराते बहुत हैं, 200 तक बिना दवा के शुगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी और नॉर्मल ले आएंगे, अभी तो आई आई है। आपको क्या? फैटी लीवर, ग्रेड 1। और आपका? मेरा भी फैटी लीवर था, फैटी लीवर 2-3 साल से था, लेकिन अभी 2 दिन बाद ही अभी पेट की दर्द वर्द कम हो गया है, पेन भी कम हो गया मुझे। और 2-3 साल हो गए, 2-3 साल से बता रखा था, 2 दिन में ही अच्छा हो गया। और इस तेरे को क्या बेटा? 12 साल से। अब देखो ये सारी चीजें कैसे दूर होंगी, एक तो सुबह सुबह वीट ग्रास और ये एलोवेरा। अब ये कोलाइटिस भी ठीक कर लिया, अब कोलाइटिस ठीक करना है, फैटी लीवर ठीक करना है, तो सुबह सुबह ये एलोवेरा ऐसे बोलो और फिर इसको ऐसे काट करके, और देखो ये ज़बरदस्त है। और साथ में ही ये देखो ब्रोकली, ये ब्रोकली को हमने स्टीम कर दिया है, और इसको ऐसे काट करके और ऐसे इसको देखो, ये तरीका है, और ऐसे इसको डाला इसमें, और इसको डाल करके अपने आप ही ये देखो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ऐसे, और निकलता है बढ़िया ढंग से ऐसे। अब ऐसे डाल करके और फिर इसको घोट देंगे, घोट करके और इसका रस बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप कल तक का प्रोग्राम बता दीजिए, तब तक मैं जूस बना के तैयार कर देता हूँ। जी स्वामी जी, तो कल का कार्यक्रम में क्या खास है ये हम जरा दर्शकों को बता दें। योग और ध्यान से कैसे रहेंगे 100 साल तक आप जवान और बलवान, शिवरात्रि के शुभ मौके पर गंगा स्नान कैसे करें तन मन को शुद्ध, स्वामी रामदेव देंगे स्पेशल टिप्स जिससे हार्ट लीवर किडनी हमेशा रहेंगे फिट और तंदुरुस्त। कल सुबह 7:57 तक 100 सालों तक हमेशा जवान और बलवान बने रहने के लिए कल का ये खास शो, कल का ये खास कार्यक्रम जरूर देखिएगा। और स्वामी जी आप
स्वामी जी आवाज नहीं आ रही। एलोपैथी की दवाइयां बंद हो गई, अब देखो जो है ब्लड भी निकाल। अब ये तो है ना वीट, इसको एलोवेरा को हमने ऐसे डाल दिया मिक्सी में, तो देखो ऐसे लिसलिसा होता है लेकिन ये ऐसे तैयार हो जाता है एकदम फ्रेश जूस। एलोवेरा को ये चिपचिपाट होती है इसमें, ऐसे इसको देखेंगे ना तो ये ऐसे चिपचिपाट होती है ऐसे देखो ये, लेकिन जैसे इसको मिक्सी में डाल करके घुमा देते ऐसे फ्रेश जूस तैयार हो जाता है इसका। ऐसे ये एलोवेरा का फ्रेश जूस है, लेकिन इसको यदि 10-15 मिनट ऐसे रख लेंगे, 10-15 मिनट इसको रख लिया उतना तो ठीक है, आधा एक घंटे के बाद इसमें बैक्टीरिया जनरेट होने लगते हैं, इसलिए कभी भी इसको 10 मिनट से ज़्यादा इसको रखना नहीं चाहिए, बस पी लो तुरंत। फिर ये देखो ये ब्रोकली है, ब्रोकली ये सबसे अच्छी हेल्थ के लिए मानी जाती है और पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए तो औषधि रूप है। इसको बिना छोंक लगाए खाली ऐसे ही इसमें पानी भर दिया नीचे और उसका स्टीम लग करके ही इतनी फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है, खाने में भी बड़ी टेस्टी है, क्या जबरदस्त है बिना कोई मिर्च मसाले के। अच्छा स्वामी जी, आप हमें रोजाना लाइव एग्जांपल्स दिखाते हैं कैसे आप लोगों की जिंदगी वहां पर लोगों की बदल रहे हैं जो आपके आश्रम में इस वक्त मौजूद हैं। आज हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं और पिछले एक साल से स्वामी जी इंडिया टीवी के साथ योग करते हुए लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और ऐसा ही एक परिवार है नई दिल्ली का, जहां दादी और पोती की जोड़ी है वीना वाधवा और वान्या वाधवा। उन्होंने अपना एक वीडियो हमारे साथ शेयर किया है, आप भी देखिए स्वामी जी। स्वामी रामदेव जी से बहुत सारी लोगों का जिससे मैं पहले से भी ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। मैं ये रोज़ आसन करती हूँ अपनी दादी के साथ जिससे मैं बहुत फिट रहती हूँ, और मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी रामदेव जी को और इंडिया टीवी को मुझे इतना एक्टिव बनाने के लिए। इस कोरोना टाइम में जब हम सब डिप्रेशन में आ गए और मेरी सिस्टर की डेथ हो गई जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई थी, और जब मैंने इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव जी से योगा आसन सीखे और मैं नियमित रूप से इनको करती रही, तो जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन से भी बाहर आई और मेरा वजन भी कम हुआ, मेरा 56 हो गया है 64 से, जिसके लिए मैं स्वामी रामदेव जी को और इंडिया टीवी को बहुत धन्यवाद करती हूँ और मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी का भी धन्यवाद करती हूँ। स्वामी जी आपने सुना, ये छुटकी सी योगिनी वो भी बहुत शानदार योगा कर रही है और आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं सब लोग। अरे भाई कमाल हो गया, और हम ये जो है बात पूरा वाधवा परिवार को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है, और हमने एलोवेरा में वीट ग्रास मिला करके ज़बरदस्त तैयार कर दिया है। इधर आओ बच्चों, तुमको पिलाते हैं। और ये है स्टीविया, एक पत्ता खा लिया तो शुगर की पूर्ति हो जाएगी। छोटे बच्चों को शुगर बंद कर दो ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। ये इंसुलिन का पौधा है, पहले तो खा के देखो कैसा है। मीठा है ना, देखो। तो जो बच्चों को मीठा खाने का मन करे थे पत्ता खा लेना। तो आज का कार्यक्रम देखने के बाद मुझे लगता है हुसैन भाई किसी को भी, अरे कटोरी दो, किसी को भी अब शुगर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और किसी को पेट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलो बिल्कुल नहीं रहेगी, पिला देते हैं अब ये पियो पूरी। और अब आपसे इजाजत लेने का समय स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।